हेलो दोस्तों दोस्तों, अगर आप इस तरह के लाइट को, आपने ये वाली वायर देखी होगी, इसको फायर वायर बोलते हैं, और फायर वायर है जो आपकी, वो आपको दिक्कत कर रही है, तो आपने क्या करना है, ऐसे एक ये वाली लीड लेनी है अपनी, और इसको बोलते हैं, जो मैंने दो वायर है जो सेंटर में ए पॉइंट पे जोड़ दिया है, वाइट और रेड वायर मैंने जी अंदर वाले ये पॉइंट पे जोड़ दिया है, और जो अर्थ वाली यहाँ से वायर होगी, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह की वायर है, इसके साथ है अर्थ वाली, ये मेन हो गया, प्लस वायर, ये अर्थ वाली हो गया, ये मैंने इस पे जोड़ दिया है, और हम इसको बंद कर देंगे। जी, मैंने इस पे वो बंद कर दिया है। आप ये देखो, अब मेरे को यहाँ से टेस्टिंग करता हूँ, तो ये देखो, ये खराब हो चुका है, ये काम नहीं कर रहा है। तो अभी मैं आपको ये वाला, जैसे मेरे पास ट्रिगर है वैसे ही पड़ा हुआ है, इसको मैं इस पे, इसकी जगह इसको लगा के दिखाऊंगा कैसे लगाना है अपने, तो वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहें। और आप इसको उल्टा करके देखोगे तो इस पे दो वायर जो यहाँ से जुड़ी हुई है, और इस पे ध्यान से देखोगे तो जो माइनस वाली वायर है वो हमारी इसके साथ जुड़ी हुई है, और जो प्लस वाली वायर है वो प्लस पे ही उसी जगह हमें लगाना पड़ेगा। हम इतने पास पास दो कनेक्शन नहीं कर सकते, तो आप यहाँ नहीं लगा सकते, तो यहाँ से ब्रीक वायर लेकर, हल्की सी थोड़ी पतली वायर हो जो, वो लेकर आगे लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ हम इसको कट रखेंगे, जो वायर का कट है यहाँ से कर देंगे, एक बार और इसके अंदर आप कुछ पैकिंग जरूर रखें, जैसे कि वायर का टुकड़ा या कुछ और कुछ आपको मिल जाए, ताकि ये जो हमारा कनेक्शन है बार बार एक दूसरे से जुड़े ना। इस तरह आप इसको पैकिंग, इस पे कुछ ना कुछ रख दें कि ये एक दूसरे से साथ जुड़ेगा, तो आपका प्रॉपर काम नहीं करेगा और मिसिंग करेगा, आपके जो प्लग है जो आपका, और काम नहीं करेगा। तो आपको तो ये वार यहाँ से, जहाँ यहाँ से लगाते ही इसको, जब आप इस लाइट में लगाते हैं तो आप ब्लिंक नहीं करना चाहिए, आराम से लगना चाहिए, अंदर से या जहाँ से जुड़ा होगा तो आप ऐसे लगाओगे इसको, तो ये ऑटोमेटिक ब्लिंक करेगा इस तरह, देख लेते हैं, ऐसे ब्लिंक नहीं करना चाहिए, और ये इसकी निशानी है कि तार अंदर से जुड़ा हुआ है। जो मैंने प्लस वाली वायर है इसको अभी डायरेक्ट कर दिया है, और दूसरी वायर जो है, जो माइनस वाली है,
उसको जो बटन है, बटन की दूसरी तरफ हम इस पॉइंट पे हम लगाएंगे, क्योंकि हमें टेस्टिंग के लिए बटन भी चाहिए, नहीं तो आप टेस्टिंग पे नहीं लगाना चाहते। तो दोनों वायर यहाँ ब्लैक वायर को जहाँ माइनस पे लगा दें, वायर है उसको भी हम निकाल देंगे, क्योंकि बटन चेंज करने के बाद मैं आपको पूरा प्रॉपर करके दिखाऊंगा। जो हम ब्लैक वायर है हमने इसके साथ जोड़ देनी है। इसका एग्जांपल आपको मैं अभी जो कि आप चाहिए ले जाना आपके साथ। इसको मैं आप कैमरे के ऊपर लगाता हूँ। जैसे ही मैं इसको देखो, अब ये प्रॉपर काम करेगा, हमारी लाइट भी इसके साथ चलेगी। देखो इस तरह आप इसको वायर को लगा सकते हैं। इसके साथ बटन लगाना है तो आप वीडियो के साथ आगे जुड़े रहें। आपने क्या करना है कि ये जो वायर है ना, इसके साथ ही वायर जोड़ देना है। आपने इसको उतारना नहीं है, इसके साथ ही वायर को जोड़ देना है। जैसे ये दो वायर लेना है, दो वायर को जोड़ देना है। इस तरह मैंने इसको काबिया से इसके अंदर सेंटर में जो कनेक्शन किया है हमने उस पर जोड़ देना, जोड़ दिया है, और उसको अच्छे से टेप कर देंगे। ये देखो, ये वायर जोड़ने से हमारा ये प्रॉपर चल रहा है। तो अब इसको हम इस बटन से चेक करेंगे, ये जो बटन है ये हमारा काम करेगा या नहीं करेगा। इसकी तरफ जो चार कनेक्शन है ना, इसको हमें काटना पड़ेगा, ताकि हम इसके जो कनेक्शन है इनको चारों तरफ उन्होंने जोड़ा हुआ है जी, वो स्केलिंग करके यहाँ से इसकी वायरिंग अंदर अंदर होती है, इसको काटना पड़ेगा। इसको काट कर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काटना है इसको। देखिए, मैंने इस तरह यहाँ से ब्रिक सुई की या ब्रिक पेचकस है आपके, उससे इसको अच्छे से रगड़ कर यहाँ से इसकी जो पत्तियाँ लगी हुई है ना अंदर अंदर, देखो जी कॉपर की पत्तियाँ लगी हुई है, जो यहाँ जो आपको नक्शा दिखाई दे रहा है, ये सभी यहाँ वायर विछी होती है, इसको मैंने काट दिया है। अब देखते हैं चेक करके इसको। अब ये प्रॉपर काम कर रहा है, देखो। अब मैं इसको जहाँ जोड़ दूंगा, अब आपको जो एक वायर है इस नुक्कर पे जहाँ पहले लगी हुई थी जब आपने बोला था, और दूसरी दूसरी नुक्कर पे ध्यान से देख लो। ये हमारी प्रॉपर काम कर रही है, तो ये जो वायर है मैं इसको ऐसे बिछा देता हूँ, और ये हमारी जो वायर है हमारी इस तरह भिजेगी, इस तरह। और ये हमारा जो
और ये देखिए मेरा जो ट्रिगर है वो हमारा काम करने लग गया है, तो अब मैं इसको कैमरे पे लगा कर देता हूँ। यहाँ से प्रॉपर काम करता है और इसके साथ भी प्रॉपर हमारा कैमरे की जब फोटो खींचते हैं हम। इसको मैनुअल फोकस पे कर देते हैं, ये देखो ये देखो जब मैं फोटो खींचता हूँ अब इसके साथ काम करता है। बहुत इजी तरीके से हम इसको रेडी कर सकते हैं और इसको कोई उसके बाद इसकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से काम कर सकते हैं और इसकी टेस्टिंग ऐसे भी कर सकते हैं।